नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम एक बहुत ही अच्छी टॉपिक के बारे में बताते हैं जो कि ग्रामर से है। और ग्रामर में देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ये पूछा जा रहा है इस समय कि क्या होता है सेमी वावेल। तो ये ग्रामर का एक पोर्शन है सेमी वावेल, तो इसके बारे में बहुत लोग पूछ रहे हैं सर सेमी वावेल होता क्या है। तो सेमी वावेल के बारे में हम चर्चा करें। आपने वावेल जैसे अल्फाबेट के बारे में पढ़ा है, आपने जितने भी वर्ड होते हैं अंग्रेजी के बारे में आपने पढ़ा है। इंग्लिश में हमने एक दो कॉलम पढ़ा, मतलब कि जो इंग्लिश होती है हमारी वो 26 लेटर की होती है, 26 लेटर की होती है। और इसको दो भागों में क्या किया है, विभाजित किया है। एक है वावेल, दूसरा क्या है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में और वावेल में जिसे हम कहते हैं स्वर, और ये क्या होता है व्यंजन। आप जानते हैं स्वर जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, ए ई आई ओ यू, और वावेल इनको छोड़कर जो भी आए बी सी डी, मतलब जो भी आएंगे वो व्यंजन होते हैं। अब ये एक नया टॉपिक है सेमी वावेल, जो कि बहुत साल पहले पढ़ाया जाता था लगभग, अब तो ये नया जैसे नया लेटेस्ट में आ गया कि सेमी वावेल होता क्या है। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी हमारे वीडियो में, तो हमने बताया कि सेमी वावेल होता क्या है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस कर देते हैं जिससे आपको भी आसानी से जानकारी। देखिए सेमी वावेल होता क्या है, मतलब वह वावेल जो व्यंजन भी होता है, जो क्या हो व्यंजन भी हो, मतलब कि कॉन्सोनेंट भी हो और वावेल भी हो, उसे हम सेमी वावेल कहते हैं। जो व्यंजन भी होता है, मतलब कि जो स्वर भी होता है और जो व्यंजन भी होता है, या वावेल भी होता है कॉन्सोनेंट भी होता है, जो दोनों होता है, जब आवश्यकता पड़े वो स्वर का काम करे, जब आवश्यकता करे कॉन्सोनेंट का काम करे। लेकिन कब ये काम होता है, मतलब कि कब किस कौन से लेटर को सेमी वावेल कहते हैं। तो आपके अंग्रेजी में दो ऐसे वर्ड हैं जिनको हम सेमी वावेल कहते हैं। तो चलिए हम बताते हैं सेमी वावेल है कौन। तो देखिए अंग्रेजी के वर्ड में, आपके जो वर्डमाला है अंग्रेजी का, उसमें W और Y एक ऐसे दो वर्ड हैं जिन्हें हम सेमी वावेल कहते हैं। सेमी वावेल क्या है, जिसको क्या, जो वावेल और कॉन्सोनेंट दोनों होते हैं, जब मतलब कि जिनको हम वावेल भी कह सकते हैं और कॉन्सोनेंट भी कह सकते हैं, ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं सेमी, ऐसे वावेल को हम क्या कहते हैं सेमी वावेल, मतलब जो वावेल भी होता है और कॉन्सोनेंट पर। देखिए अब कैसे हम इसको पता करेंगे सेमी वावेल है, जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखेंगे, जैसे आउल वाउ, हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं अभी, आप इसके थ्रू से आपको समझे, वाई वाट यू। अब इन्हीं एग्जाम्पलों से आपको सेमी वावेल की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखिए जो वाउ लिखा है वाउ वा वाई वाट योर, अब यहां से आप समझिए कि इसका जो पहला पहला वर्ड है डब्ल्यू 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 वाई, इसका जो पहला वर्ड आ रहा है वो मूल ध्वनि से आ रहा है, मतलब वा से आ रहा है वाउ, मतलब डब्ल्यू से पढ़ा, देखो वाउ वाई वाट योर। अब देखो वाई का शब्द देखिए, मतलब कि जो ये मूल वर्ड है, मतलब कि वाई से ही प्रारंभ हो, योर मूल वर्ड से, मतलब कि जो इसका फंडामेंटल ध्वनि है, जो साउंड है उससे, वा से, देखिए डब्ल्यू से प्रारंभ हो वाउ, लेकिन जो इसका दूसरा शब्द है वा ऊप से प्रारंभ है, मतलब इसकी मूल ध्वनि नहीं। तो हम बताते हैं कि कभी भी अगर डब्ल्यू अगर वाई से कोई भी लेटर स्टार्ट होता है, तो पहला जो लेटर होता है वो कॉन्सोनेंट होता है और दूसरा जो लेटर होता है वो वावेल होता है। अगर पहले लेटर छोड़कर, चाहे वो बीच में आए चाहे किनारे में आए, जब भी आता है तो वो वावेल होता है। जैसे इसमें डब्ल्यू में, इसमें भी देखिए आपका जो वाई है, तो देखिए वा ई वाई आया, तो और देखिए जो वाई वाई है वाई आना चाहिए, लेकिन क्या पड़ा वाई डब्ल्यू को तो वा आ रहा वाई, लेकिन जो ये वाई है उसके लिए ई का प्रदेश कर रहा है, मतलब कि ई बना रहा है ई, लेकिन इसमें वाउ यू बना रहा है। और इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं तो इसकी मूल ध्वनि, तो इसका डब्ल्यू जो होगा वो तो कॉन्सोनेंट होगा, मतलब व्यंजन होगा, और लेकिन जो ये वाई होगा ये क्या हो जाएगा आपका स्वर हो जाएगा।
आपको समझ में आ जा रहा है कि इसी एग्जाम्पल से ये पहला जब भी हमारा पहला है तो वो कॉन्सोनेंट होता है, और दूसरे जब इसके बाद कोई भी शब्द है तो वो हमारा क्या होता है वाबेल होता है। तो ये ऐसे दो शब्द है जिनको वाबेल भी कह सकते हैं और कॉन्सोनेंट भी कह सकते हैं। अब कब कह सकते हैं, अगर पहले वर्ड आते हैं इनके प्रारंभ में अगर वर्ड आए, क्योंकि वाक्य जो हमारा वर्ड हो वर्ड के पहले में अगर आते हैं तो वो कॉन्सोनेंट होते हैं, अगर बीच में आए या किनारे आए एकदम लास्ट में आए तो वो क्या होते हैं वावेल होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं सेमी वावेल। सेमी वावेल दो प्रकार के थे, डब्ल्यू और वाई। तो दोस्तों यही सेमी वावेल थे। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया दोस्तों तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, जिसकी जिसके हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक ग्रामर की नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत होंगे। तो इसी साथ अलविदा लेते हैं दोस्तों, नमस्कार।